हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माँ वैष्णो देवी से जुड़ी कुछ रोचक बातें। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, माता वैष्णो देवी का ये मंदिर भारत का बहुत प्रसिद्ध और धार्मिक स्थलों में से एक है, क्योंकि भारत देश के लोगों की इस स्थान के साथ असीम आस्था जुड़ी हुई है। और लोगों का यह मानना है कि न केवल भारत देश बल्कि दूसरे देशों से भी बहुत से लोग यहाँ देवी के दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वैष्णो देवी का ये मंदिर हिमालय के त्रिकुटा पर्वत पर सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और इस मंदिर के गर्भगृह में तीन पिंडियाँ स्थापित है, जिनमें से पहला पिंड माँ सरस्वती को समर्पित है, जो ज्ञान विवेक और काल की धनी मानी जाती है, और दूसरा पिंड माँ लक्ष्मी जी को समर्पित है, जिन्हें धन की लक्ष्मी कहा गया है, और तीसरा पिंड माता महाकाली को समर्पित है, जो बल प्रदान करने वाली माता मानी गई है। और अगर हम बात करें माता वैष्णो देवी के रास्ते की, तो कहा जाता है कि माता के दर्शन के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है, वो असल में कोई प्राकृतिक रास्ता नहीं है, बल्कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए सन 1977 में इस रास्ते का निर्माण करवाया गया था। और तब से लेकर आज तक इसी रास्ते से गुजरकर माता रानी के भक्त उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इस मंदिर के निर्माण की, तो माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण करीब 700 साल पहले पंडित श्रीधर द्वारा करवाया गया था। और कहा जाता है कि श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर माता रानी ने एक छोटी बच्ची के रूप में श्रीधर को दर्शन दिए थे। दोस्तों, इस मंदिर में सुबह शाम दुर्गा देवी की आरती की जाती है, और आरती करने से पहले माता रानी को पानी, दूध, घी और शहद से नहलाया जाता है, और उसके बाद साड़ी और गहनों से श्रृंगार किया जाता है। इसके साथ ही मंत्रों और श्लोकों का लगातार उच्चारण होता रहता है। और दोस्तों, अगर हम बात करें माता वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा की, तो माता वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा हमेशा से ही चर्चा का विषय बनी रहती है। और इसके अलावा समय के साथ साथ यहाँ माता रानी के चरणों में आने वाले भक्तों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है, और इसीलिए भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए माता की प्राचीन गुफा को आमतौर पर बंद रखा जाता है। लेकिन कुछ किस्मत वालों को इस गुफा में प्रवेश करने का सौभाग्य मिल जाता है, क्योंकि जब भी श्रद्धालुओं की संख्या 10,000 से कम होती है, तब इस गुफा को खोल दिया जाता है। और भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यहाँ प्रवेश और निकास के लिए तो कृत्रिम द्वार भी बनाए गए हैं। इसी के साथ इस गुफा के अंदर एक चबूतरा भी है, जिस पर माता रानी का सिंहासन विराजमान है। दोस्तों, वैष्णो देवी के रास्ते में कई पड़ाव आते हैं, जिन पड़ावों में से एक आद्य कुमारी है, जहां पर एक और गुफा मौजूद है जिसे गर्भभूजन के नाम से जाना जाता है। और इस गुफा को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहाँ इस गुफा में माता रानी 9 महीने तक ठीक वैसे ही रही थी जैसे एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है। दोस्तों, इसके अलावा इस गुफा को लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस गुफा से होकर माता रानी के दरबार में जाता है, उसे फिर कभी किसी गर्भ में नहीं जाना पड़ता। और अगर मनुष्य गर्भ में आ भी जाता है, तो उसे गर्भ में कोई कष्ट नहीं होता है, और उसका जीवन सुख और समृद्धि से भरा होता है। और दोस्तों, अगर हम बात करें माता वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा की, तो माता वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा पूरे वर्ष चलती है, और वैष्णो देवी मंदिर के लिए पूरी 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो जम्मू के कटरा रेलवे स्टेशन से शुरू होती है। इसके अलावा यहाँ पर घोड़े, खच्चर, पालकी या पिट्ठू के सहारे यात्रा करने की सुविधाएं मौजूद हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर द्वारा भी माता रानी के दरबार तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी माँ वैष्णो देवी से जुड़ी कुछ रोचक बातें। उम्मीद है हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।